सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट थर्ड की जो यूनिट 5 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके टॉपिक्स को धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। और इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक का डिस्कस करूंगा वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, और एक क्वेश्चन जो है इसका आ सकता है, इसलिए आप लोग जो है इसको थोड़ा सा देख लें। यूनिट 5 का है और छोटे छोटे वीडियो, लगभग लगभग मैं 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो ही बनाऊंगा, जिसमें आप लोग के अरब इजराइल संघर्ष है, आसियान है, सार्क है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इनके छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोज़ के माध्यम से आपको ये यूनिट समझा दूंगा। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी हम लोग देख चुके हैं, कूटनीतिकता देख चुके हैं, और चाइना रशिया की जो विदेश नीति है इसको आप लोग देख लेना, क्योंकि वो मैंने नहीं देखी है, बताइए उसको आप अपने जो जो भी बुक आप पढ़ रहे हो वहीं से देख लेना, उसके लिए टाइम अभी नहीं है। और वैसे भी अमेरिका और चाइना पढ़ लिया तो रूस वाले को छोड़ सकते हो आप चाहो तो। अब हम लोग शुरू करते हैं कि नई जो आर्थिक व्यवस्था है वो है क्या, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वास्तव में क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था, जैसे ही पहला जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1919 के दरमियान, इसी दरमियान जो है साम्यवाद का उदय हुआ, रूस बहुत शक्तिशाली हुआ, इसी दरमियान जो है जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में, तो अमेरिका बहुत शक्तिशाली हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या, जो तीसरे विश्व के देश थे यानी जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, तीसरे विश्व के देश जिनको विकासशील देश कहा जाता है, तो वो काफ़ी पिछड़ गए थे। तो एक ऐसी व्यवस्था 1970 के दशक में आई, इसको आप इसके मीनिंग में भी लिख सकते हो, मीनिंग में कि 1970 के दशक में एक ऐसी व्यवस्था आई जो विकासशील देशों की संप्रभुता का मान रखे, उनकी पूंजीवादी देशों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करे, और वो खुद एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की तरफ मूव करे, तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी हो गई थी। तो इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं, 1970 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसके कुछ सिद्धांत हैं यानी कुछ नियम हैं या विशेषताएँ हैं, या विशेषताएँ जिसको कह सकते हैं कि भाई ये विशेषताएं जो है ज़रूरी है, थ्योरीज सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत भी इनको बोलते हैं, बुनियादी सिद्धांत। अब इसमें देखिए आप पॉइंट्स पॉइंट्स यदि लिख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एक तो यह है कि आर्थिक साधनों पर संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब है जो जिस देश में है उस देश का उसके ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए। और इसके अलावा विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों का विस्तार, विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों का विस्तार, WTO और जो GATT व्यवस्था थी उसका विस्तार, WTO एवं GATT का विस्तार, क्योंकि GATT ही बाद में WTO बना था, और विकासशील देशों पर ऋण भार को कम करना, विकासशील देशों पर ऋण भार को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा अधिक सहायता अनुमान, अंतर्राष्ट्रीय जो निगम है IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा निगमों द्वारा अधिक सहायता। तो ये कुछ बुनियादी सिद्धांत थे जिसके माध्यम से ये देश मजबूत हुए। फिर विकासशील देशों के निर्यातों को प्रोत्साहन, और इसके साथ ही जो विकासशील देश हैं उनमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। तो ये कुछ बुनियादी सिद्धांत थे नई आर्थिक व्यवस्था के। और इसके बाद यदि आप लोग नई आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो इसकी दिशा में जो कदम उठाए गए वो क्या थे, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर के फेवर में जो बातें की गई उसमें बेसिकली तीन चीज़ों को रखा जाता है। एक तो 1974 में
1974 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषणा। देखिए, विकसित देश तो शुरू से ही काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन विकासशील देशों के लिए बहुत ज़रूरी था। और NEO, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यक्रम, स्थापना के लिए कार्यक्रम और राज्यों के आर्थिक अधिकारों का चार्टर, राज्यों के आर्थिक अधिकारों का चार्टर, ये कुछ चीज़ें थी। अब ये आप जब बहुत इसको डिटेल से पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक राइट्स कौन कौन से थे। वो बेसिकली आर्थिक जो अधिकार दिए गए थे राज्य के आर्थिक अधिकार, ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में ही आते हैं। आर्थिक अधिकार, इसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। एक तो अपनी आर्थिक प्रणाली चुनना कि भाई अब पूंजीवादी है, मिश्रित है, अब कैसी अर्थव्यवस्था है, ये खुद चुनेगा वो। तो आर्थिक प्रणाली चुनने का अधिकार उसका खुद का होगा। प्राकृतिक साधनों पर अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनको आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से लिखोगे तो अच्छे अंक आएंगे। और सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख दोगे तो भी बहुत है, क्योंकि 10 नंबर से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। उत्पादन संगठन से संबंध होने का अधिकार और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र यानी प्रौद्योगिकी का ट्रांसफ़र या हस्तांतरण। तो ये चीज़ें थी। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें जो संगठनों के रूप में हुई है। तो एक तो आप लोग जो हैं उत्तर दक्षिण संवाद है, उत्तर दक्षिण संवाद, मैं इसको आगे चल के और डिटेल से बता दूंगा। और इस दिशा में एक दक्षिण दक्षिण सहयोग भी बहुत फेमस है, दक्षिण दक्षिण सहयोग। G15 देश बहुत महत्वपूर्ण है। G15 के साथ साथ आजकल जो है G20 भी काफ़ी फेमस में चल रहे हैं, हालांकि G20 में विकसित देश ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके माध्यम से निश्चित तौर पर हमारी जो नई व्यवस्था है, इसमें G77 एक समूह और विकासशील देशों का बन गया। तो इससे एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके तुलना में जो विकासशील देश हैं वो खड़े होने का प्रयास धीरे धीरे कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और उम्मीद करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है विकासशील राष्ट्रों को आत्मनिर्भर और विकसित बनने में सहायता करेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अरब इजराइल संघर्ष के ऊपर।